बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा इस वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की बारात का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया जाएगा और इस बार अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अति भव्य बारात का आयोजन बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। बाबा की बारात के लिए समिति के युवा विंग एवं महिला विंग द्वारा पूरे शहर भर को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण कार्ड वितरित किया जा रहा है। समिति के युवा विंग और महिला विंग द्वारा सुपेला घड़ी चौक पर बाबा का जयकारा लगाया गया और पूरे शहर भर को बाबा के विवाह का निमंत्रण कार्ड वितरित किया गया। इस अवसर पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की महिला विंग की अध्यक्षा एवं युवा विंग के उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई एवं शहर भर को बारात में शामिल होने का न्योता दिया। आज हम घड़ी चौक आकाश गंगा सब जगह ना बोलबम शिवरात्रि का निमंत्रण कार्ड बांटने आए हैं। इस बार शिवरात्रि में 171 झांकियां हैं और 4 तारीख को संगीत संध्या का प्रोग्राम है। दिलीप सडंगी जी आ रहे हैं। इस बार हर बार 151 झांकियां रहती थी, इस बार 171 झांकियां आ रही है। देश प्रदेश से, सब जगह से, पंजाब से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, कोरबा से, बिलासपुर से, उड़ीसा से, सब जगह से अलग अलग तरह की झांकियां आ रही हैं जो देखने लायक हैं। इस वर्ष हमारा ये 16वां साल है बाबा की बारात का। इस हम लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, इस बार ये 16वां साल का बाबा की बारात में सबसे खास तो ये है भैया कि ये 16वां साल है और 16 नंबर जो होता है ये बाबा के लिए 16 सोमवार का जो व्रत रखा जाता है। तो आप देखिए कि 16 सोमवार का व्रत रखना और 16वां साल है, मतलब ये कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये कभी हो नहीं सकता, ये इस बार हुआ है और हम लोग हर साल के भांति इस साल भी यहाँ आके कार्ड बांट रहे हैं। और हम लोग का जो इस बार का जो टारगेट है हर साल के अपेक्षा इस साल सबसे आगे रहे। इस बार कम से कम 170 से 75 झांकियां, 30 से 35 डीजे एक साथ रहेंगे और 4 तारीख को बाबा का एक संगीत संध्या रहता है हर साल के जैसा, इस साल भी है जिसमें दिलीप सारंगी जी आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के और भिलाई की जनता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और बाबा के बारात में आकर बाबा की बारात में साक्षी बने।